पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आपके जन्म नक्षत्रों के अध्ययन के बाद जो विषोत्तरी महादशा के अंतर्गत नक्षत्रों के स्वामी बनते हैं, उनके शुभाशुभ लक्षणों को भी आपने जाना। आज आपके लिए नक्षत्रों के इस क्रम में मूल नक्षत्र का संपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। बालक के जन्म के बाद परिवार में एक नई खुशी का आगमन होता है, और इस खुशी को यदि मूल नक्षत्र का ज्ञान हो जाता है तो उस उत्साह में, उस जोश में, उस खुशी में कुछ कमी आ जाती है। मन में प्रसन्नता का अभाव होने लगता है कि अमुक बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया, क्योंकि मूल नक्षत्रों का प्रभाव बालक के जीवन में तत्काल प्रभावी हो जाता है। कहते हैं कि लंकाधिराज रावण के यहाँ जितने भी मूल नक्षत्रों में बालक पैदा होते थे उनको वह समुद्र में फेंकवा देते थे, किंतु नक्षत्र के बल के कारण वह बालक मरते भी नहीं थे। वही बालक राम रावण युद्ध के समय में नारांतक, अहिरावण जैसे महाबलशाली शक्तिशाली पुत्रों के रूप में मदद करने के लिए इस धरती पर पाताल से आकर के अपने पिता की मदद किया। तो मूल नक्षत्र एक बड़ा शक्तिशाली नक्षत्र होता है, घबराने की बात नहीं रहती, पर इसमें जानकारी यह होनी चाहिए कि यदि नक्षत्र में गंड दोष आ जाता है तो संघर्ष बहुत हो जाता है, पावर बहुत होता है, ऊर्जा बहुत होती है, भाग्य का बल बहुत होता है। पर इस शरीर के अंदर यदि हमने बहुत पौष्टिक आहार ले लिया तो उसको पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। यही इस मूल नक्षत्र का लक्षण होता है। जातकाभरण ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जातक, पारिजात और पाराशर, बृहद पाराशर, इस ग्रंथों में गंडांत और गंड मूल का विवेचन विधिवत किया गया है। नक्षत्रों का जो उल्लेख किया गया है, मुख्यतः जो मूल के नक्षत्र हैं उसमें से अश्विनी, रेवती, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये छह नक्षत्र मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण नक्षत्र प्रदूषित नहीं होते, पर इनका कुछ भाग विशेष दूषित हो जाता है, जो बालक के लिए संघर्ष का संकेत करने लगता है। यही मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। इन सभी नक्षत्रों के स्वामी या तो बुध हैं और या तो केतु हैं। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष जान रहे हैं, और जिन नक्षत्रों के स्वामी केतु होंगे या बुध होंगे उन नक्षत्रों का बल, इसीलिए मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों का बौद्धिक बल बहुत होता है। तो यह नक्षत्र यदि जन्म के समय आ जाता है तो 27वें दिन जब यही नक्षत्र लौट करके आता है तभी मूल शांति होती है, उसको कहते हैं मूल शांति। यदि किसी बालक का जन्म इन छह नक्षत्रों में हो जाए तो उसकी मूल शांति 27वें दिन करना चाहिए। इन 27 दिनों के मध्य में छठी ब्रह्म आदि के कोई संस्कार उस बालक के संपन्न नहीं होते हैं, यहाँ तक कि पिता को उस बालक का के जन्म का ज्ञान भी नहीं कराया जाता, पिता को दर्शन करने का भी निषेध है, पिता को उसकी आवाज सुनने का भी निषेध है। कहने का भाव केवल इतना है कि 27 दिनों तक पिता भी उस बालक के जन्म का परित्याग करते हैं,
स्वीकार नहीं करते हैं। 27वें दिन जब वही नक्षत्र आता है तो उस नक्षत्र के मंत्र का जप करके आहुति करके विधिवत शांति होती है। शांति के बाद उस बालक को एक तेल, सरसों का तेल पात्र में रख करके छाया दर्शन कराया जाता है, छाया दान होता है, और छाया दान के बाद सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं, तब पिता को उस बालक का दर्शन कराया जाता है। ऐसे बालकों में जन्म लेने के बाद नकारात्मक शक्ति विशेष रूप से आ जाती है। ऐसी स्थिति बनती है कि उनके मन में निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके जीवन में धन हानि और बहुत प्रकार के अर्जित धन को खोने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो अर्जित धन पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है वह या तो उनसे व्यय हो जाता है या तो खो जाता है, अथवा इस विषय की आशंका उनके जीवन में सदैव बनी रहती है। अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र के जो चतुर्थ चरण है उसमें जातक के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वहीं रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जातक भाग्यशाली तो बहुत होते हैं, परंतु राशि चक्र में जो ये तीन राशियां हैं, ये जो राशि चक्र है, तो इन मूल नक्षत्रों में तीन प्रकार के लक्षण उस समय विद्यमान होते हैं जिस समय गंड मूल होता है। कौन से लक्षण है? पहला तो ये है कि राशि चक्र में तीन स्थितियां पैदा होती हैं। जब गंड मूल आता है तो तीन स्थिति होती है। पहली स्थिति होती है कि पिछला नक्षत्र समाप्त हो रहा है और अगला नक्षत्र शुरू होने वाला है, उसको संधि कहते हैं। तो एक तो यह स्थिति बनती है कि अगले नक्षत्र का उसको भान होता है, पिछला नक्षत्र छूटता है, तो यह स्थिति नक्षत्र को, लग्न को कमजोर करने वाली होती, इसी को संधि लग्न और संधि नक्षत्र भी कहते हैं। दूसरा गंड नक्षत्र, इसीलिए कहते हैं कि नक्षत्र की एक तरफ समाप्ति हो रही है पिछले नक्षत्र की और नए नक्षत्र का आरंभ हो रहा है। गंड मूल नक्षत्र में एक दोष और है, वहीं से राशि भी समाप्त होती है और दूसरी राशि का आरंभ होता है, वही गंड मूल नक्षत्र हो जाता है। इसीलिए चारों चरणों में गंड मूल नहीं होता, पर जिस नक्षत्र से उस राशि का समापन होता है, दूसरी राशि आरंभ होने वाली होती है, तो यह दो स्थिति उसके लिए गंड मूल का दोष बनाती हैं। इसी तरह से तीसरा गंड मूल में एक दोष ये होता है कि जब उस अगले नक्षत्र का उद्गम होता है और पिछले नक्षत्र का गमन होता है, तो ये तीन स्थितियां उस चरण को, नक्षत्र के, अत्यंत ही कमजोर कर देती हैं, नाजुक कर देती हैं, जिससे कि उसका बल कम हो जाता है। यद्यपि शिशु के सुखद भविष्य की शांति के लिए उस गंड मूल की शांति इसीलिए कराई जाती है, क्योंकि जीवन में यदि आपने सब कुछ कर लिया है परंतु यदि उन्नति के मार्ग नहीं खुले हैं, तो जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र आवे उस दिन प्रातः काल जो भी दिन पड़े उस दिन की होरा प्रातः सूर्योदय के समय प्राप्त होती है। उसी समय उस नक्षत्र के मंत्र का 108 बार जप करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, जीवन में कुछ अद्भुत होने लगेगा, आप करके देखिए। सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं तब दूर होते हैं जब हमारे नक्षत्र को बल मिल जाता है। इसीलिए उस जन्म नक्षत्र की शांति कराई जाती है और शास्त्रीय विधान के अनुसार हवन पूजन आदि कराया जाता है। यह अत्यंत ध्यान देने वाला विषय है। शास्त्रों की मान्यता है कि संधि के क्षेत्र में, अर्थात राशि बदलना, नक्षत्र बदलना और चरण बदलना, यह अशुभ और नाजुक स्थिति होती है। इसीलिए जन सामान्य की मान्यता अनुसार चौराहे पर, तिराहे पर, दिन रात, संधिकाल, संक्रांति का संधिकाल, ऋतु लग्न एवं ग्रह के संधि स्थल को कभी शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए हम लोग जब प्रातः का संधिकाल अर्थात रात्रि बीतती है, प्रातः शुरू होता है, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, और उस समय हमारी पिंगला नाड़ी चलती है, अर्थात नासिका के दोनों स्वर चलते हैं,
उस समय हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का स्मरण, केवल पूजन, केवल संध्योपासना का समय। इसीलिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल संध्योपासना, सूर्यास्त हो रहे हैं, दिन और रात की संधि है, तो यह संधि काल अत्यंत नाजुक होता है। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, चौराहा मिलता है, चौराहा संधि काल है, वहां पर चौराहे के अधिपति देवता रहते हैं, इसीलिए जो भी निगेटिविटी आती है चौराहे से आपको लग जाती है। चौराहा तिराहा यदि रास्ते में मिलता है वो भी संधि है, दिन रात के बीच की एक संधि है, और इसी तरह संक्रांति की एक संधि है। संक्रांति अर्थात अमावस्या, अमावस्या का जब परिवर्तन, संक्रांति का जब परिवर्तन होता है तो अमावस्या तिथि होती है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया है कि वो अमावस्या जनित जन्म दोष लग जाता है। जो संधि काल होने के कारण वह नक्षत्र नाजुक हो जाता है, कोई भी नक्षत्र हो, लेकिन चंद्रमा सूर्य के साथ हो जाते हैं, चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा ही नक्षत्रों के अधिपति हैं, और जब नक्षत्रों के अधिपति ही संधि में चले जाएंगे तो उन पर बल क्या होगा आप समझ गए होंगे। फिर भी नक्षत्र मूल नक्षत्र के जातक भाग्यशाली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गंड मूल नक्षत्र के अंतर्गत जिन नक्षत्रों को रखा गया है, ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है कि अगर बच्चे का जन्म गंड मूल नक्षत्र में हो, एक महीने के अंदर वही नक्षत्र जब लौट करके आए तो गंड मूल की शांति अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा जीवन में इसके अशुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। आजकल लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह बालक बड़ा होता है, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब वह नक्षत्र जनित दोष उसको पीछा करता है और प्रत्येक कार्य में उसके अवरोध आने लगता है। तब माता पिता को इस बात की चिंता होती है। यह पूरी तरह से सच है कि शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है, बताया गया है कि कुछ स्थितियों में यह दोष मूल के अपने आप समाप्त हो जाते हैं कुछ चरणों में। आगे बताएंगे हम आपको किन चरणों में नक्षत्र दोष नहीं लगते हैं। तो कुछ चरणों में, कुछ लग्नों में इन नक्षत्रों के दोष नहीं लगते हैं, फिर भी वही नाजुक स्थिति नक्षत्र के चरण की जन्म लेने वाले व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाती है। इसीलिए मूल नक्षत्र के कुछ चरणों के जातक अत्यंत भाग्यवान होते हैं। व्यक्ति का जन्म अगर वृक सिंह और वृश्चिक लग्न में हो रहा है, यदि जन्म के समय गंड मूल के समय वृष सिंह और वृश्चिक लग्न उदित हो रही है या कुंभ लग्न उदित हो रही है, तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर भी इसका अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा, शुभ में बदल जाएगा। गंड मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर भी यदि लड़के का जन्म रात में हो और लड़की का जन्म दिन में हो, तो मूल नक्षत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बालक का जन्म हुआ मूल नक्षत्र है, लेकिन दिन है, अर्थात सूर्य का बल प्राप्त है, और रात्रि है, कन्या का जन्म हो रहा है, इसलिए रात्रि के बली चंद्रमा होते हैं, तो उस समय चंद्रमा को बल प्राप्त है, उस समय सूर्य को बल प्राप्त है, तो नक्षत्र को शक्ति मिलती है। इसी तरह से गंड मूल नक्षत्र मघा के चौथे चरण में जन्म लेने वाला बच्चा धनवान और भाग्यशाली होता है। लड़की का जन्म रात्रि में हो तो भाग्यशाली होता है, लड़के का जन्म दिन में किसी भी मूल नक्षत्र के गंड काल में भी हो जाए तो भी भाग्यवान होगा, और यदि मूल में मघा नक्षत्र का जन्म है, इसीलिए मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, उन्नतिशील होते हैं, उनके ऊपर गंड मूल का प्रभाव नहीं होता, लेकिन सहज भाव, भाई के लिए थोड़ा दोष जरूर उनके जीवन में आता है। इसलिए ज्योतिषा शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं। बच्चे का जन्म अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में, अश्लेखा के चौथे चरण में, मघा एवं मूल के पहले चरण में, ज्येष्ठा के चौथे चरण में, तब यह मूल गंड मूल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। अगर बच्चे का जन्म मंगलवार शनिवार के दिन हुआ है तो अशुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है।
यह गंड मूल शनिवार और मंगलवार को यदि बनता है तो फिर वह ज्यादा घातक हो जाता है। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, अश्लेषा का दूसरा चरण, मघा का तीसरा चरण, ज्येष्ठा का चौथा और मूल का मूल में जो पांचवा और छठवां, ये रेवती के प्रथम चरण के अनुसार देखें तो पिता को कष्ट पहले चरण में, राज्य प्राप्ति दूसरे चरण में, माता को कष्ट तीसरे चरण में, ज्येष्ठ भ्राता के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जब गंड मूल हो जाता है अर्थात चौथे चरण में जन्म होता है तो ज्येष्ठ भ्राता को दोष होता है। दूसरे चरण में जो तीसरा और दूसरा है, पिता का नाश और राज्य प्राप्ति। इसी तरह से जो श्लेखा आदि नक्षत्र हैं उसमें छोटे भाई के लिए दोष, माता के लिए, और तीसरे चरण में मंत्री पद भी प्राप्त होता है। तीसरा शुभ जो माता का नाश करता है, सुख माता का के लिए हानिकारक होता है, धन की हानि करता है, सुख संपत्ति का क्षय करता है। चौथा जो शुभ है वह पिता के लिए हानिकारक है। तीसरा धन प्राप्ति स्वयं के नाश के लिए स्वयं कष्टदायी होता है। इस तरह से पुराणों में गंड मूल नक्षत्र, पुराणों में अनेक स्थानों पर गंडांत नक्षत्रों का उल्लेख आपने पढ़ा होगा। गंड मूल में तो हुआ लेकिन गंड मूल में भी गंडांत होता है, अर्थात जिन चरणों पर हमने बताया वो चरण गंडांत मूल में आते हैं, इसलिए उनका उल्लेख रेवती की अंतिम चार घड़ियां, अश्विनी की पहली चार घड़ियां ये गंडांत कही जाती हैं, और मघा अश्लेषा ज्येष्ठा एवं मूल नक्षत्र ये गंडांत में विशेषतः ज्येष्ठा मूल के मध्य का एक प्रहर अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो यदि जातिका हो जाए, बालिका हो जाए, तो उसके माता पिता को जीवन का भय होता है। गंडांत नक्षत्रों में सभी शुभ कार्यों को त्याग दिया जाता है। गंडांत नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक के लिए 27 दिन तक किसी भी तरह के संस्कार, न तो नामकरण, न तो उसका छठी, न उसका बरहों, और भी जो भी संस्कार 27 दिन के अंदर होने वाले हैं वो सब टाल दिए जाते हैं। उसी गंड मूल की शांति कराने के निवृत्ति के बाद सारे संस्कार किए जाते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में यह कहा गया है कि सुलक्षणा नाम की एक कन्या का वर्णन आया है जिसका जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ था, तब उस बाला के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। इस जन्म के कुछ समय बाद ही नारद पुराण में कहा गया है कि मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण को छोड़कर के शेष चरणों में तथा ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न संतान विवाहोपरांत अपने ससुर के लिए घातक होती है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बालिका का जन्म हो तो जहां विवाह होगा वहां ससुर होंगे ही नहीं। यह ज्येष्ठा नक्षत्र विवाहोपरांत ससुर के लिए घातक होता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या अपने जेठ के लिए, विशाखा में उत्पन्न कन्या अपने देवर के लिए अशुभ फल का संकेत कारक होती है। दिन में गंडांत नक्षत्र में उत्पन्न संतान पिता को, और रात्रि में उत्पन्न संतान माता को, और संध्या काल में यदि गंडांत मूल में बालक का जन्म होता है तो स्वयं के लिए वह अत्यंत कष्टकारी होता है। इसलिए फलित ज्योतिष के अनुसार यदि हम देखते हैं, जिसमें जातक पारिजात, बृहद पारासर होरा शास्त्र, जातका भरण, प्राचीन सभी ग्रंथों में गंडांत नक्षत्रों का वर्णन विस्तार से दिया गया है। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल तथा रेवती, इन गंड मूलों में अश्विनी के पहले चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट, अन्य चरणों में शुभ है। अश्लेषा के पहले चरण में जन्म हो शुभ है, दूसरे में धन हानि है, तीसरे में माता को कष्ट है, चौथे में दोष है पिता को। यह फल पहले प्रथम 2 वर्षों में ही मूल का फल मिल जाता है।
दो वर्षों के अंदर ही उसका प्रभाव, जितना भी प्रभाव होता है दुष्प्रभाव, वह दो वर्षों में ही प्रकट हो जाता है। मघार नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो तो माता पक्ष को हानि, दूसरे में हो तो पिता को कष्ट, अन्य दोनों चरणों में शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो बड़े भाई या जेठ के लिए, लड़का है तो बड़े भाई नहीं होंगे, यदि होंगे तो उनसे कोई संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और यदि लड़की होती है तो उसके ज्येष्ठ नहीं होंगे। दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट, तीसरे में माता को, चौथे में पिता को कष्ट होता है, यह पहले वर्ष में ही प्रतीत हो जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र एवं मंगलवार का यदि योग उत्पन्न हो जाए तो कन्या अपने भाई के लिए पूरे जीवन घातक होती है, यदि मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो जाए। मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो तो पिता को, दूसरे में माता को, तीसरे में धनहानि, चौथे में शुभ होता है। और मूल नक्षत्र का रविवार में योग यदि उत्पन्न हो तो कन्या के ससुर के लिए बहुत दोष होता है, इसीलिए उसको कहते हैं मूल के मूल। एक तो मूल नक्षत्र ही है और मूल में गंडांत हो जाए तो उसको मूल के मूल कहते हैं, ससुर का नाश करती है। और यह चिन्ह पहले ही चार वर्षों में प्राप्त हो जाते हैं, शादी के बाद चार वर्षों में ही ससुर की हानि हो जाती है। जातकाभरण के अनुसार जन्म के समय मूल नक्षत्र हो, कृष्ण पक्ष की तृतीया या दशमी हो, शुक्ल पक्ष हो, चतुर्दशी तिथि हो, एवं मंगल या शनिवार या बुधवार हो, तो सारे कुल के लिए यह संतान अशुभ मानी जाती है। एक बार फिर से पुनः सुने, जातकाभरण के अनुसार जन्म के समय मूल नक्षत्र हो, कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो, उसमें मंगल शनिवार या बुधवार दिन आ जाए तो वह संतान पूरे कुल के लिए नष्ट करती है। मूल नक्षत्र के साथ राक्षस, यातुधान, पिता, यमकाल, ये यदि मुहूर्त ये हो तो गंड मूल दोष प्रभाव अति विनाशकारी हो जाता है, ऐसे में तो रक्षा करना भी कठिन हो जाता है। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में हो तो माता पिता के लिए शुभ है, अन्य चरणों में शुभ है। अभुक्त मूल ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम दो घड़ियां तथा मूल नक्षत्र के आरंभ की दो घटियां अभुक्त मूल है, जिनमें उत्पन्न बालक कन्या के कुल के लिए अनिष्टकारी होते हैं, इनकी शांति अवश्य करवाना चाहिए। जन्म नक्षत्र का फल पूरे जीवन जातक का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए यह सावधानी हमारे लिए आवश्यक है। आज हमने मूल नक्षत्र के विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, फिर भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं इस नक्षत्र के विषय में, और कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आपका प्रश्न सार्वभौमिक होना चाहिए, सबके लिए उपयोगी होना चाहिए, निश्चित रूप से आपके प्रश्न को हम अपने वीडियो में सम्मिलित करेंगे, आपको जवाब देकर अपने विवेकानुसार संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में पुनः एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।